गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 7 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, अब चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे हम लोग, बॉन्ड एंड डिटेलिंग। कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया बीच में, तो कुछ काम पड़ गया था इसीलिए मुझे गैप करना पड़ा, नहीं तो फिर कंटिन्यू रहते हम लोग। लेकिन अब ट्राई करूँगा जितनी जल्दी ख़त्म हो सके सारे ख़त्म करें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स। तो चैप्टर 8 बॉन्ड एंड डिटेलिंग। तो बॉन्ड एंड डिटेलिंग होता क्या है, देखिए बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड यहाँ पर बात हो रही है आरसीसी स्ट्रक्चर के रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बारे में, ठीक है। एक अच्छी बॉन्ड रहनी बहुत ज़रूरी है रेनफोर्समेंट और कंक्रीट में, ताकि ये जो रेनफोर्समेंट है ये खींच कर बाहर ना आ जाए, ठीक है, अगर उसमें टेंसाइल फोर्स लगाया जाए तो, है ना। और ये दोनों कंबाइनली लोड को कैरी कर सके, ठीक है। डिटेलिंग क्या होती है, डिटेलिंग होती है जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस रेनफोर्समेंट के उस रेनफोर्समेंट का डायमीटर क्या है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डायमीटर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो एरिया 800 mm² आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक हम लोग दे दें 32 mm का सरिया, ठीक है। और वही हो सकता है कि हम लोग कम डायमीटर वाले 3-4 प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो ये सब डिटेलिंग में आते हैं, तो हम लोग आज ये सब अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो 8.1 इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है। सफिशियंट बॉन्ड इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट टू प्रिवेंट रिलेटिव मूवमेंट, ठीक है, है ना। एंड प्रॉपर डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ विदाउट एनी प्री मैच्योर्ड फेलियर, ठीक है। तो जो बॉन्ड होती है वो क्यों ज़रूरत होती है अपने को, बॉन्ड एक अच्छा बॉन्डिंग क्यों ज़रूरत होता है, ताकि रिलेटिव मोमेंट को रोका जा सके, ठीक है। और डिटेलिंग क्यों, डिटेलिंग ताकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ, मेंबर का जो स्ट्रेंथ है ना उसका हम लोग पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके विदाउट एनी प्री मैच्योर्ड फेलियर, ठीक है। तो बेसिकली जो बॉन्ड होती है वो दो टाइप की होती है, फ्लेक्सर बॉन्ड एंड एंकरेज बॉन्ड। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर मान लो कहीं पे 800-900 mm² का रिक्वायरमेंट आ रहा है एरिया ऑफ स्टील, मान लो कि कहीं पर रिक्वायरमेंट आ रहा है 800 mm², एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है mm², ठीक है। तो 800 mm² के लिए हम चाहे तो उसमें क्या कर सकते हैं, 32 mm का एक अगर हम लोग सरिया देंगे, एक रॉड देंगे, तो उसमें 32 mm के डायमीटर के रॉड का एरिया कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट एरिया 800, ठीक है, mm², ये अपने को पता है ना। और ये हम लोगों ने देखा था, ये अगर आपको पढ़ना है तो ये आप 1.2.8 में चले जाएं, ठीक है, पहले के लेक्चर्स में 1.2.8 में है, ये तो 8.2 चल रहा है। तो 800 mm² अगर हम लोग एक भी दे सकते हैं चाहे तो, है ना, और चाहे तो कितना दे सकते हैं, अगर 16 mm का देखते हैं हम लोग, 16 डाया का देखते हैं, तो इसका एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 mm², ठीक है, 200 mm² क्रॉस सेक्शनल होता है किसका, अप्रोक्सीमेट एरिया किसका होता है, 16 mm डाया वाले रेनफोर्समेंट का। तो अगर हम लोग 16 वाला प्रोवाइड करते हैं तो अपने को 4 प्रोवाइड करना पड़ेगा, 4 × 200 यानी कि तब जाकर 800 mm² होगा, है ना। और 32 डाया का करते हैं तो एक ही लगेगा। लेकिन आप लोग खुद बताओ बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा, अगर कोई बीम फेल कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बीम फेल कर रहा है, ठीक है, उसमें 4 रेनफोर्समेंट बार्स दिए हुए हैं और एक है जिसमें कि एक ही दिए हुए हैं, ठीक है, तो फेल तो ज़्यादा लेट से यही करेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा जिसमें हम लोगों ने 4 दिया है। तो इसी कारण से डिटेलिंग, है ना, डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। तो
आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे और डिटेल से। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, फ्लेक्सर बॉन्ड और एंकरेज बॉन्ड। तो 8.2.1 फ्लेक्सर बॉन्ड क्या होता है, देखिए, इट डेवलप्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग रिइंफोर्समेंट। यह कैसे डेवलप करता है, यह बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होता है रिइंफोर्समेंट में उसके कारण से डेवलप करता है। ठीक है, जैसे हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे ये एज्यूम किया हम लोगों ने, चलिए कोई बीम लेते हैं, है ना, उसमें ये इस प्रकार से रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है। दो सेक्शन लेते हैं, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन वन एक्स डिस्टेंस पर है एंड से, और एक्स क्या है, वेयर एक्स इज़ लेस देन एल बाई टू, है ना, इस बीम का जो हाफ लेंथ है, मिड सेक्शन है, उससे कम है एक्स। ठीक है, और ये सेक्शन वन के, सेक्शन वन से सेक्शन टू का डिस्टेंस डी एक्स, सही है। एट सेक्शन वन वन, सेक्शन वन वन पे मोमेंट क्या हो जाएगा, एम इंटू एम इज इक्वल टू टी इंटू एल ए, सही बात है, टेंसाइल फोर्स इंटू एल ए, लीवर आर्म। ठीक है, सेक्शन टू पर क्या हो जाएगा, सेक्शन टू पर थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, क्योंकि सेक्शन टू थोड़ा और आगे है, तो मोमेंट इस पे थोड़ा और चेंज होगा, है ना, क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देखोगे तो आपको डेप्थ टू की ओर ज़्यादा दिखाई देगी, यानी कि वेरिएशन दिखाई देगी। ठीक है, तो जो सेक्शन टू की ओर है वो मोमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एट सेक्शन वन वन एम इज इक्वल टू टी इंटू एल ए, एंड एट सेक्शन टू टू एम प्लस डी एम, देखिए मोमेंट चेंज हो गया है ना, डेल एम जुड़ गया, एम प्लस डेल एम इज इक्वल टू टी प्लस डेल टी, है ना, टेंसाइल फोर्स भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, और एल ए इंटू एल ए तो लीवर आर्म तो वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, टू में वन अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी एम इज इक्वल टू डी टी इंटू एल ए अपने को मिलता है, है ना, डी एम इज इक्वल टू डी टी इंटू एल ए। अब ये रेनफोर्समेंट जो है ना, डी एक्स, डी एक्स जो है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी, एफ बी डी बना कर देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, तो इस साइड टी लगेगा, है ना, और इस साइड टेंसाइल फोर्स टी प्लस डी टी लगेगा, तो रेनफोर्समेंट क्या होगा बीम के अंदर का, ये खींच जाएगा इधर, ये क्या होगा, राइट की ओर खींच जाएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा है, टी प्लस डी टी है, लेकिन क्या ये खींच रहा है, नहीं खींच रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है भाई, क्योंकि इस रेनफोर्समेंट में, है ना, क्या लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है ना, जिसको हम लोग सीयर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सीयर, सॉरी, सीयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसमें, ये टाव। ठीक है, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट जो है अपने बगल वाले कॉन्क्रीट में फोर्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है, सीयर फोर्स लगा रहा है, और उससे टाव यानी कि सीयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इस तरह से ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, और इसी तरह से रेनफोर्समेंट बाहर नहीं आ रहा है खींचकर। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। देखिए, तो समेशन एफएक्स क्या हो जाएगा, एफएक्स क्या हो जाएगा, टी इधर आ रहा है नेगेटिव की ओर तो माइनस टी, ये इधर जा रहा है पॉजिटिव की ओर तो प्लस टी प्लस डेल टी, टाओ इस साइड एक्ट कर रहा है नेगेटिव तो माइनस टाओ, है ना। अब ये टाओ कितने में एक्ट कर रहा है भाई, ये टाओ एक्ट कर रहा है पूरे पाए डी इंटू डी एक्स, टोटल सरफेस एरिया में, है ना, इस रेनफोर्समेंट के। ठीक है, तो पाए डी क्या हो गया, पाए डी हो गया अपना सरकमफेरेंस, और डी एक्स हो गया अपना पूरा लेंथ, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ठीक है, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, उस बीम में हम लोगों ने कितने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करे हैं, तो सारे का मिलकर ही यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना। तो टी टी कट गया, डी टी बचा इधर, डी टी इस माइनस वाले टर्म को इक्वल टू के साइड ले जाया जाए तो ऐसा होगा कुछ, टी टी एन एन फाई डेल, है ना, एन फाई डी एक्स, सारा कुछ वही है, बस अपना टी माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो गया। तो टी को हम लोग लिख सकते हैं डी एम बाय एल ए, टी को हम लोग लिख सकते हैं डी एम बाय एल ए, ठीक है, इज इक्वल टू टाओ एन फाई एन पाई फाई डी एक्स। ठीक है, ये टी को हम लोग, डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई एल ए, यहाँ से पता चला अपने को, ये देखिए, ये देखिए, है ना,
तो डीएम बाय एल ए क्या हो गया, टाओ हो गया, सॉरी, तो डीएम बाय एल इज इक्वल टू टाओ एन पाई फाई डी एक्स, है ना। तो टाओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाओ इज इक्वल टू डीएम बाय, सारे टर्म को इधर ले आए तो ये एन पाई फाई इंटू एल ए, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो डीएम बाय डी एक्स क्या हो गया अपना, ये हो गया डीएम बाय डी एक्स हो गया अपना वी, ठीक है। तो टाओ इज इक्वल टू वी बाय एन पाई फाई बाय एल ए, वी क्या हो गया अपना सीयर फोर्स, ठीक है। डी एम बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी यानी कि सीयर फोर्स। तो वैल्यू ऑफ टाओ कैलकुलेटेड अबव शुड बी लेस देन परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट। अब देखिए ये जो टाओ की जो वैल्यू है ना, टाओ की वैल्यू क्या होना चाहिए अपना, कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, जो परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना बिटवीन किसके किसके बीच का, रेनफोर्समेंट और कॉन्क्रीट के बीच का, उससे कम होना चाहिए टाओ के वैल्यू को, ठीक है। अब क्यों भाई ये टाओ के वैल्यू को कम क्यों होना चाहिए, देखिए तो ये वैल्यू ऑफ टाओ जो है, अब देखिए एक चीज़ देखिए, जैसे मान लो आप दो ब्लॉक ले लो, ठीक है, दो ब्लॉक ले लो, इन दोनों को आपस में क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। अब इस पे ऐसा है कि 100 किलो न्यूटन का अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 100 किलो न्यूटन का अगर इससे फोर्स लगता है तो ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मान लो हम लोगों ने कितना 60 किलो न्यूटन का फोर्स इस पे लोड इस पे डाला हुआ है तो टूटेगा नहीं है, है ना। लेकिन इसका स्ट्रेंथ कितना है, ये इसका स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन, ठीक है। लेकिन हम लोग इस पे लोड डाल रहे हैं 60 किलो न्यूटन का, तो इस 60 किलो न्यूटन के कोरस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें, ठीक है। तो 60 किलो न्यूटन के कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन इसका इसकी ये कितना तक वियर कर सकता है, 100 किलो न्यूटन तक। तो ये हो गया अपना 100 किलो न्यूटन जो है, ये हो गया अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, यहाँ पर टाओ है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, टाओ है। तो टाओ क्या है, स्ट्रेस जनरेटेड है, जो स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो जनरेटेड स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पर टाओ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो टाओ है यही इस रेनफोर्समेंट को बाहर खींचने से, ये जो टी प्लस डी टी फोर्स लग रहा है इसके कारण बाहर खींचने से इसको प्रिवेंट कर रहा है, कौन, ये टाओ। तो इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रेस है। लेकिन ये टाओ का वैल्यू, ठीक है, कम रहना चाहिए, किससे, जो स्ट्रेंथ है इसका, जितना तक ये झेल सकता है ये रेनफोर्समेंट, है ना, ये बॉन्ड दोनों का, रेनफोर्समेंट और कॉन्क्रीट का, उससे कम ही होना चाहिए, तभी जाकर अपना ये टिका रहेगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा, खींच जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, वैल्यू ऑफ टाओ कैलकुलेटेड अबव शुड बी लेस देन परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब हम लोग समझ गए अच्छे से, 100 किलोमीटर वाला क्या था, बॉन्ड स्ट्रेंथ था, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेस कितना था, कितना डेवलप हो रहा था, 60, ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल अभी मैंने बताया। तो ये देखिए, ये क्या है, परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20, M25, M30, M35, M14 अबव टाओ बी डी, न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो ये वैल्यू है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग, जो ये टाओ बी डी न्यूटन पर एम स्क्वायर यूनिट में जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ये कैसे आता है, ये पुल आउट टेस्ट से आता है, ठीक है। इसके लिए पुल आउट टेस्ट करना पड़ता है। अब पुल आउट टेस्ट क्या है, पुल आउट टेस्ट, है ना। ये पुल आउट टेस्ट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कौन सा रेनफोर्समेंट, प्लेन रेनफोर्समेंट, ठीक है, प्लेन रेनफोर्समेंट, जिसमें कि रिप्स नहीं बने होते हैं। जैसे मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा जो रेनफोर्समेंट आती है, जो घर में यूज होता है, उसमें क्या होते हैं, रिप्स बने रहते हैं, है ना। तो ये प्लेन बिल्कुल होता है, है ना, ये रेनफोर्समेंट प्लेन होता है, और इस रेनफोर्समेंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एम्बिट करते हैं किस में, M20 से बने कॉन्क्रीट में, ठीक है। और इसमें फिर टेस्ट करते हैं, इसको पुल आउट टेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको खींचते हैं, ठीक है, बाहर से इसको खींचा जाता है मशीन से लगाकर। तो ये
1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इतने का अगर फोर्स लगाए, है ना, इतने का अगर फोर्स लगने तक क्या होता है, ये टूटकर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ कितना देता है अपना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, टाउ बी डी इज इक्वल टू 1.2 एमएम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, M20 के लिए 1.4। तो ये पुल आउट टेस्ट से ये वैल्यू टाउ बी डी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये यहाँ से आता है इस पुल आउट टेस्ट से। सारे रिन्फोर्समेंट कैसे रहते हैं, बिना रिप्स वाले रहते हैं, यानी कि प्लेन रिन्फोर्समेंट रहते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, इस टाव के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सारे रिन्फोर्समेंट टूट कर बाहर आ जाते हैं, खींच कर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, 1.2 M20 कंक्रीट के लिए, M25 के लिए 1.4 इतना स्ट्रेसेस में जनरेट हुआ। ठीक है, M30 कंक्रीट जब था तब 1.5 जनरेट हुआ, M30 के लिए 1.7, उसके बाद ये खींच कर बाहर आया, इससे एक्सिट किया वैल्यू तब। तो ये अपने को जो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिली, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से मिला, पुल आउट टेस्ट से। तो ये आप लोग याद रखना काम की चीज़ है। अब देखिए, जो ये जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, अबव वैल्यूज़ आर कॉरस्पॉन्डिंग टू प्लेन बार्स, है ना, अंडर टेंशन। तो प्लेन बार को हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, तब जाकर ये वैल्यू अपने को मिला है। दिस इज ऑब्टेंड बाय पुल आउट टेस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अबव वैल्यूज आर इनहेंस्ड बाय 60% फॉर द डिफॉर्म्ड बार्स। अब जो डिफॉर्म्ड बार होते हैं, जो रिप्स वाले जो बार होते हैं, अगर हम लोग वो यूज करते हैं, रिप्स वाले बार इसके जगह पर यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू का जब भी काम पड़ेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू 60% से बढ़ा देंगे, यानी कि इंटू 1.6। समझ गए, अगर M20 कंक्रीट था तो 1.4 इंटू क्या हो जाएगा, 1.6। समझ गए, आगे देखते हैं। अबव वैल्यूज़ आर इंक्रीज्ड बाय 25% फॉर प्लेन बार अंडर कंप्रेशन। यहाँ पर टेंसाइल, हम लोगों ने टेंसाइल फोर्स लगाया था, ठीक है, पुल आउट टेस्ट किया टेंसाइल फोर्स लगाकर, अगर टेंसाइल की जगह में कंप्रेशन हो तो उसमें क्या करेंगे, फिर वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 25% से, यानी कि 1.25 से और इसको इंटू कर देंगे। अगर मान लो दिया हुआ है M20 के लिए, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू तो 1.2 है ना, इसको 25% बढ़ा देंगे, यानी कि इंटू 1.25 कर देंगे। किस केस में, अगर ये कंप्रेशन इसमें लग रहा है, ठीक है, अगर इसमें कंप्रेशन लग रहा है, एग्जांपल देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, कंप्रेशन अगर लग रहा है तो इसमें बढ़ क्यों गया वैल्यू, ये बढ़ इसीलिए गया क्योंकि टेंसाइल फोर्स जो लग रहा था उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, अगर मान लो ये रॉड है ना, ये कंक्रीट में एम्बेड है, इसको दोनों ओर से खींच रहे थे, ठीक है, तो इसका जो ये एंड पोर्शन है ना, जो क्रॉस सेक्शन है, ये कुछ रेजिस्टेंस नहीं दे रहा था अपना, लेकिन कंप्रेशन जब लगेगा, है ना, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये भी कुछ रेजिस्टेंस देगा, और इसीलिए ये वैल्यू को 25% से बढ़ा दिया गया। जैसे एक एग्जांपल है, ये क्या है एग्जांपल, कैलकुलेट डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर बार ऑफ Fe415 अंडर कंप्रेशन इन M30 कंक्रीट। ठीक है, तो M30 कंक्रीट का पहले हम लोग देखते हैं, 1.5 है टाउ बी डी का वैल्यू, ठीक है, तो 1.5 है। अब 1.5 हम लोगों ने पहले लिख लिया, टाउ बी डी का वैल्यू 1.5 हम लोगों ने लिख लिया। अब देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्या क्या दिया हुआ है, Fe415 अंडर कंप्रेशन इन M30 कंक्रीट। अब Fe415 है ना, तो ये वही है, HYSD स्टील हो गया अपना Fe415, ठीक है, और कंप्रेशन लग रहा है इसमें, तो कंप्रेशन के लिए 1.25 इंटू हो गया, और Fe415 के लिए 1.6 इंटू हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा इतना, यानी कि इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, टाउ बी डी का वैल्यू 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, नोट, इन केस ऑफ बॉन्ड फेलियर द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू मेक इट सेफ इज बाय प्रोवाइडिंग मोर नंबर ऑफ बार्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर इंस्टीड ऑफ लेस नंबर ऑफ बार्स ऑफ लार्जर डायमीटर फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्टील। ठीक है, जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था आपको, जो अगर मान लो कहीं पर ESD कितना आ रहा है, 800 mm स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो 32 mm डाया का बार ना देकर हम लोग क्या करेंगे, एक 32 mm बाय का डाया का बार ना देकर हम लोग क्या करेंगे, चार बार देंगे 62 डाया का। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो रही है।
क्या करेंगे अगर हम लोग लेस नंबर ऑफ स्टील्स नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ा देंगे, भले ही डाया कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी, कौन सा ये हम लोगों ने पढ़ा अभी, दो टाइप के बॉन्ड पढ़ रहे थे हम लोगों ने, ठीक है। तो एक फ्लेक्सर बॉन्ड था, एक एंकरेज बॉन्ड था, ये हम लोगों ने फ्लेक्सर बॉन्ड पढ़ा। हाँ, अभी हम लोग एंकरेज बॉन्ड देखेंगे। तो एंकरेज बॉन्ड 8.2.2, देखिए ऐसा कुछ कैंटिलेवर सेक्शन है ना, कैंटिलेवर बीम कुछ ऐसा। इसमें क्या है, यूडीएल लग रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, यूडीएल लग रहा है अपना। अगर हम लोगों ने मान लो इसमें, इसमें क्या होगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट बनेगा, ठीक है। अब हॉगिंग बनेगा तो हम लोग रेनफोर्समेंट कहाँ देंगे, ऊपर देंगे, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। हॉगिंग बनेगा तो रेनफोर्समेंट कहाँ देंगे हम लोग, ऊपर देंगे, ठीक है। हॉगिंग में रेनफोर्समेंट ऊपर, अरे यार, ठीक है, और सैगिंग होगा तो रेनफोर्समेंट नीचे। तो रेनफोर्समेंट यहाँ ऊपर देंगे, चलो मान लो हम लोगों ने रेनफोर्समेंट दिया और रेनफोर्समेंट हम लोगों ने यहाँ तक दिया क्योंकि इतना पोर्शन निकला हुआ है, चलो मान लो। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पर यूडीएल जब लगा है तो जैसे ही हम लोग ये यूडीएल लगाते हैं इस पर, ये क्या हो जाएगा, क्रैक होगा कुछ ऐसा और ये गिर जाएगा पूरा, ये पूरा सेक्शन नीचे गिर जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये पूरा गिरेगा क्यों भाई, इसीलिए गिरेगा क्योंकि यहाँ पर रेनफोर्समेंट तो हम लोगों ने दिया है, लेकिन रेनफोर्समेंट क्या कुछ काम कर रहा है अपनी तरफ से, नहीं कर रहा है इसको बचाने के लिए। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहीं तक है और इसका कुछ ऐसा बनेगा, है ना, फेलियर का फेलियर क्रैक कुछ इस टाइप से आएगा इसमें। तो रेनफोर्समेंट तो बस यहाँ तक ही है, तो अब अपने को क्या चाहिए था कि रेनफोर्समेंट जो है थोड़ा आगे तक हो, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट को थोड़ा आगे तक होना चाहिए था। तो ये जो हम लोगों ने आगे तक दिया है रेनफोर्समेंट इस पर, ताकि इसको गिरने से बचाया जा सके, तो इसको हम लोग कहते हैं एंकरेज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंकरेज, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसका जो, अगर मान लो इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, इसके यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा, इस सपोर्ट पे होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग रेनफोर्समेंट हम लोगों ने दिया, ठीक है, रेनफोर्समेंट हम लोगों ने दिया, अगर जिस टाइम हम लोगों ने रेनफोर्समेंट यहाँ तक दिया था उस टाइम लोड अप्लाई किया, तो क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पर आया, लेकिन ये यहाँ पर रेनफोर्समेंट यहाँ तक ही था, तो कुछ इसने रजिस्ट ही नहीं किया, इसलिए टूट कर गिर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअली होता क्या है ना कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस लगता है रेनफोर्समेंट में, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा तो सीधा सा बात है कि रेनफोर्समेंट क्या होगा, अगर हम लोग अंदर तक नहीं देंगे रेनफोर्समेंट, तो ये क्या होगा, खींच कर बाहर आ जाएगा रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये खींच कर बाहर आ जाएगा, क्रैक नहीं आएगा, ठीक है ना, वो टूटेगा नहीं, क्या होगा रेनफोर्समेंट, अगर मान लो यहाँ तक दिए, ठीक है, तो ये रेनफोर्समेंट खींच कर बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ाया हम लोगों ने, ठीक है, अगर मान लो हम लोग यहाँ तक दिए तो वो भी खींच कर बाहर आ जाएगा। तो इसलिए एक सफिशियंट डिस्टेंस तक अपने को रेनफोर्समेंट देना होता है। ये हम लोग आगे आगे देखेंगे कि कितना दूर तक हम लोग प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट, कितना दूर तक इसको रेनफोर्समेंट को कंक्रीट में एम्बेड करेंगे अंदर तक, ताकि ये खींच कर बाहर ना आए, ठीक है, क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ठीक है। जैसे चूड़िया लगाएंगे इस पर क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी, अगर रेनफोर्समेंट ज़्यादा अंदर तक नहीं है तो क्या होगा, ये खींच कर पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा बीम ऐसा गिर जाएगा जो कैंटिलीवर सेक्शन है इसका। तो इसके लिए अपने को चाहिए कि रेनफोर्समेंट थोड़ा हम लोग अंदर तक प्रोवाइड करें, एम्बेड करें कंक्रीट में, ताकि खींच कर बाहर ना आए। देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या, ये FST यानी कि ये बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुआ यहाँ पर, ठीक है, स्टील में क्या हुआ, एक बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है। और ये बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप हुआ, जिसके कारण अभी ये खींच कर बाहर नहीं आ रहा है और ये कैंटिलीवर सेक्शन गिर नहीं रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंकरेज बोलेंगे, एंकरेज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंकरेज बोलेंगे, क्योंकि इसी एंकरेज के कारण, इसी एंकरेज लेंथ के कारण, है ना, जितना हम लोगों ने अंदर तक इसको एम्बेड किया रेनफोर्समेंट को, इसी कारण क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसलिए वो खींच कर बाहर नहीं आ रहा है। देखिए, दिस बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्स
अराउंड बार टू प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज सो दैट रेनफोर्समेंट अटेम्प्ट्स इट्स डिजायर्ड स्ट्रेस। सही बात है। अब देखिए इन अवर फिगर एल इज़ प्रोवाइडेड फॉर एंकरेज ऑफ रेनफोर्समेंट ओनली, है ना। एल किस लिए है? एंकरेज ऑफ रेनफोर्समेंट ओनली, ठीक है, सिर्फ रेनफोर्समेंट अंदर एल डिस्टेंस तक जाएगा। सो बॉन्ड स्ट्रेस अराउंड द रेनफोर्समेंट इन दिस लेंथ इज एंकरेज बॉन्ड। इसलिए ये जो बॉन्ड स्ट्रेस होगा, जो एरो शो किया गया है, ये बॉन्ड स्ट्रेस जो होगा ये क्या होगा? एंकरेज बॉन्ड होगा। ये इस बॉन्ड इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? एंकरेज बॉन्ड बोलेंगे। और ये जो एरो देखिए आप लोग, है ना, एरो क्या हुआ है? थोड़ा सा लंबा होता गया है ना हर बार यहाँ पर, ये रहा इस सेक्शन में। यानी कि क्या? यानी कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है यहाँ पर इस सेक्शन में कम है और ये इधर अंदर तक बढ़ता चला गया है, ठीक है। कम से थोड़ा ज़्यादा गया, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, है ना। जितना अंदर जाएंगे हम लोग उतना ये थोड़ा वैल्यू इसका इंक्रीज़ होता गया, इसीलिए वो एरो छोटा से बड़ा होता गया है। तो सो बॉन्ड स्ट्रेस अराउंड द रेनफोर्समेंट इन दिस लेंथ इज एंकरेज बॉन्ड। नो बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन इन दिस पोर्शन। और इस पोर्शन में क्या है? कोई भी बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन यहाँ पर नहीं होता है, और फिर भी यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है। किसके कारण होता है बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप? ये जो लेंथ है, जितने लेंथ तक हम लोगों ने अंदर रेनफोर्समेंट को एम्बेड किया है उतने लेंथ के कारण होता है। यानी कि ये एंकरेज बॉन्ड इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक दो टाइप के बॉन्ड हम लोगों ने भी देखे थे, ठीक है, जो कि एक फ्लेक्सर बॉन्ड था, एक एंकरेज बॉन्ड था। ये फ्लेक्सर बॉन्ड कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू वी वाई एन पाई फाई इंटू एल ए, और इसके वैल्यूज़ कुछ दिए हुए थे, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ। और अब हम लोगों ने देखा क्या? एंकरेज बॉन्ड, जो कि हम लोगों ने अभी अच्छे से देख लिया, इसको समझ लिया। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अब 8.3 में डेवलपमेंट लेंथ की ओर। तो डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है? देखिए डेवलपमेंट लेंथ हम लोग पढ़ेंगे अब। मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड इन कंक्रीट फॉर डेवलपमेंट ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। यानी कि कितना? 0.87 FY की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, उतना लेंथ रेनफोर्समेंट का, उतना लेंथ जितना हम लोगों को कंक्रीट के अंदर ज़रूर डालना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अपने को ये डेवलप अपने को क्या मिल सके? परमिसेबल स्ट्रेस उसमें जनरेट हो सके, ठीक है, उस रेनफोर्समेंट में परमिसेबल स्ट्रेस उस पर डेवलप हो सके उस रेनफोर्समेंट में। परमिसेबल स्ट्रेस यानी कि कितना? 0.87 FY हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेकेंड डे से। तो देखिए ये जो मान लो ऐसा कुछ, ये एक कंक्रीट का बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है? एक कंक्रीट का बहुत बड़ा ब्लॉक है। और ये क्या है? एक रेनफोर्समेंट है, ठीक है, एक रेनफोर्समेंट है कोई भी डाया का, जिसका कैपेसिटी मान लो 100 kN/mm² है, ठीक है, 100 N/mm² कुछ ही मान लो, ठीक है, इसका 100 मान लो, है ना, इसका कैपेसिटी है। अगर हम लोग 100 kN का लोड देंगे पर mm² पे, तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया? इस पर इतना डाला, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया? इस रेनफोर्समेंट को इस पर, इस कंक्रीट ब्लॉक पे डाल रखा है। अगर मान लो पहले हम लोगों ने इतना डाला, और इस पर हम लोगों ने मान लो चलो 20 kN ये अभी अप्लाई किया लोड, और ये क्या हुआ? खींचकर ये बाहर आ गया। थोड़ा सा इसको हम लोगों ने और अंदर किया, थोड़ा सा और अंदर तक किया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये 45 में बाहर आया, है ना, थोड़ा सा और अंदर किया, अब ये किस पे आया? 78 पे बाहर आया। इसका कोई ना कोई लेंथ तो होगा, कोई ना कोई लेंथ तो होगा जहाँ तक इसको एम्बेड करने से ये पूरा का पूरा 100 kN लोड आने के बाद, उसके बाद बाहर आएगा, उससे एक्सीड करेगा तब, है ना। यानी कि ये पूरा 100 kN/mm² का मतलब उतना लोड अपने में ये रजिस्ट कर सकता है, ठीक है ना, उतना लोड तक ये रजिस्ट कर सकता है, ठीक है, उतना लोड ये कैरी कर सकता है, 100 kN का लोड ये कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इस पर, हम लोगों ने क्या किया, इस पर 100 kN अब इस पर अप्लाई किया, तो ये स्ट्रेस इस पर कितना आया? 100 kN पर, मतलब इस पर स्ट्रेस उतना स्ट्रेस आएगा, है ना, उतना स्ट्रेस आएगा जितना तक में अब ये 100 kN के बाद ये बाहर आ जाए। यानी कि बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये जो लेंथ है जहाँ तक अभी प्रोवाइड किया गया है ना, ये वो लेंथ है, ठीक है, जहाँ तक इस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के बाद इसका जो
स्ट्रेंथ था यानी कि 100 किलो न्यूटन का है ना, उतना तक ये अपना उतना तक ये रेजिस्टेंस जनरेट कर सके। यानी कि अब इस पे हम लोग 100 किलो न्यूटन तक का इस पे अगर हम लोग डालेंगे लोड है ना, तो ये रजिस्ट कर लेगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ इतना तक है ना, इसका स्ट्रेंथ इतना तक है। और अगर मान लो हम लोगों ने इतना इस पे एम्बेड नहीं किया होता, थोड़ा कम एम्बेड किया होता, तो क्या ये 100 किलो न्यूटन का लोड ले पाता? नहीं ले पाता, ठीक है, नहीं ले पाता 100 किलो न्यूटन का लोड, ठीक है, उससे कम में ये निकल कर बाहर आया था है ना, वो मान लो 80 में या फिर 90 में 85 में उसमें निकल कर बाहर आया था। लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा और अंदर किया है, अब इतना अंदर किया है कि ये पूरा का पूरा अपना स्ट्रेंथ यानी कि 100 किलो न्यूटन का ये लोड ले पा रहा है अपने में, वो खींच कर बाहर नहीं आ रहा है। तो ये जो लेंथ हम लोगों ने जितना अंदर किया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। इसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट लेंथ। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो रेनफोर्समेंट है इसका कैपेसिटी कितना है, ये कितना तक का फोर्स ले सकता है अपने में? ये 100 किलो न्यूटन तक का फोर्स अपने में ले सकता है, ठीक है, ठीक है, 100 किलो न्यूटन तक का फोर्स ही ले सकता है, ठीक है ना। इस पर स्ट्रेस मान लो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, इतना मतलब ये उतना तक का स्ट्रेस झेल सकता है ना। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, इतना दूर तक इतना तक एम्बेड किया और बाकी का पोर्शन बाहर रखा, तो 20 ही डाला था हम लोगों ने, 20 किलो न्यूटन का फोर्स डाला और ये बाहर आ गया। फिर थोड़ा अंदर किया, 30 का डाला, अंदर आ गया, बाहर आ गया। फिर थोड़ा और अंदर किया इसको, है ना, 70 का डाला, फिर बाहर आ गया। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हम लोगों ने इसको एम्बेड किया कंक्रीट में, अंदर तक किया है ना, और अब ये क्या है, 100 किलो न्यूटन तक का फोर्स ले पा रहा है अपने में। तो ये पर्टिकुलर लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट लेंथ। जहाँ तक एम्बेड करने के बाद ये पर्टिकुलर रिन्फोर्समेंट अपने फुल स्ट्रेंथ को गेन कर, अपने फुल स्ट्रेंथ को डेवलप कर पा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, तो मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट फॉर डेवलपमेंट ऑफ परमिसेबल स्ट्रेस ऑफ रेनफोर्समेंट यानी कि 0.875, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट लेंथ, LD के नाम से जानते हैं डेवलपमेंट लेंथ को। तो टाओ इज इक्वल टू क्या हो गया? टाओ BT हो गया यहाँ पर, है ना, टाओ क्या हो गया? टाओ BD हो गया, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से कुछ इसमें स्ट्रेस आएगा, यहाँ पर ज़्यादा डेवलप होगा, थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम। ये अपना डायमीटर है, ये अपना टेंसाइल स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है स्टील पे। अब देखिए ये जो FST किस पे लग रहा है? FST लग रहा है इसमें π/4d² पे, है ना, पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहा है। ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू τBD, जो τBD लग रहा है ना, ये जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये τBD किस पे, τBD किस पे लग रहा है? फाई पे, है ना, τBD किस पे लग रहा है? π/5 पे इंटू LD पे, ठीक है। ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है FST, ठीक है, π/4d² पे लग रहा है, π/4π² पे लग रहा है FST। और ये किसके इक्वल टू होगा? क्योंकि खींचकर बाहर नहीं आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम में है, इसको रजिस्ट कर रहा है पूरी तरह से। तो ये τBD किस में लग रहा है? सर्कमफेरेंस यानी कि π/5 इंटू LD पे लग रहा है पूरे में, है। तो इस तरह से अपने को LD कितना मिल जाएगा? LD कैलकुलेट हो जाएगा FST इंटू फाई, ये π/π कट गया, ठीक है, π/4τBD हो जाएगा। LD क्या हो जाएगा? FST इंटू फाई π/4τBD, ठीक है। अब FST कितना हो जाएगा? FST हो जाएगा 0.875, सही है। FST कितना हो जाएगा? 0.875 ये क्या हो जाएगा? परमिसेबल स्ट्रेस इन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। 0.875 इज इक्वल टू FST, फाई जो डायमीटर है रिइंफोर्समेंट का, और 4τBD, तो LD का वैल्यू ये हो गया अपना। तो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अब ये एग्ज़ाम्पल अपने को ये क्लियर कर देगा कि अगर रिइंफोर्समेंट जो है, अगर Fe 250 है और Fe 450 है, तो डेवलपमेंट लेंथ जो है किसका ज़्यादा रहेगा, है ना, डेवलपमेंट लेंथ किस किस में ज़्यादा देंगे, ठीक है, कम ग्रेड के स्टील में या फिर ज़्यादा ग्रेड के स्टील में। तो देखते हैं, कंपेयर
LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार ऑफ FE 250 एंड FE 415 ऑफ सेम डाया एंड एम्बेडेड इन सेम कॉन्क्रीट। तो देखिए FE 250 LD क्या हो जाएगा 0.87, FY बाय 4 टाउ BD ये तो पता है अपने को 0.87, FY यानी कि 250 डी फाई डाया 4 टाउ BD यानी कि 54.37 टाउ फाई बाय टाउ BD आया। टाउ BD तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएगा, ये भी इक्वल आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं अपने को। FE 415 में देखते हैं 0.87 FY बाय 4 टाउ BD तो 0.87 FY यानी कि सिर्फ 415 यहाँ पर इसके जगह पर आया, और यहाँ पर जो ये था क्या बोलते हैं ये 1.6 आया, किसके लिए आया 1.6, ये 1.6 आया उसके लिए जो हम लोगों ने देखा था ना अभी एक टेबल इस टेबल में यहाँ पर ये एवर वैल्यूज आर इन्हेंस्ड बाय 60% फॉर डिफॉर्म्ड बार, तो ये 415 स्टील है इसलिए 1.6 से इंटू हो गया परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसलिए 4 tau BD, ठीक है, तो 4 × 1.6 से इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने, तो ये कितना आया LD इज इक्वल टू 56.41 यानी कि जो FE 415 स्टील है इसके लिए ज़्यादा आ रहा है डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू। तो देखिए LD ऑफ यानी कि डेवलपमेंट लेंथ ऑफ HYSD बार इज इनवेरिएबली हायर, सही है, देन एज ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड डाया ऑफ बार, इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड डाया ऑफ बार, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और डाया ऑफ बार पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फिर भी क्या है इसमें डेवलपमेंट लेंथ जो HYSD स्टील में है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नोट LD इज इंक्रीज ड्यू टू बंडलिंग, अब देखिए LD को डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग बढ़ा देंगे किस केस में, बंडलिंग के केस में, अगर नंबर ऑफ बार्स अगर इस टाइप से यूज किया गया है बंडल्ड करके, है ना, अगर मान लो दो बार यूज किया गया है एक ही बार में एक ही जगह पर, ठीक है, और तीन या फिर चार, तो इसको इंक्रीज कर देंगे किस से, अगर दो बंडल्ड बार हैं तो 10%, थ्री है तो 20%, फोर है तो 33%, ये याद रख लेना आप लोग थोड़ा सा। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एंकरेज क्या है, अगर इस रिन्फोर्समेंट का मान लो हम लोगों ने इस रिन्फोर्समेंट को मान लो हम लोगों ने इम्बेड किया है कॉन्क्रीट में, ठीक है, और ये कितना तक ये स्ट्रेस दे रहा है 0.6 FY तक, है ना, 0.6 FY तक स्ट्रेस ये जनरेट कर रहा है, उसके बाद ये फेल हो जा रहा है, तो जहाँ तक किया हम लोगों ने एम्बेड उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंकरेज। लेकिन ये तो फुल नहीं है अपना, फुल कितना होता है भाई 0.87 FY होता है, ठीक है, तो एंकरेज के उस वैल्यू को जिस वैल्यू के प्रोवाइड किए जाने पर स्ट्रेस अपने को परमिसिबल स्ट्रेस 0.87 FY मिले, है ना, यानी कि फुल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस हो उसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, 0.6 FY एंकरेज और ये डेवलपमेंट लेंथ के लिए 0.87 FY, याद रखना आप लोग। 8.4 में आते हैं बॉन्ड फेल्योर मैकेनिज्म में, ठीक है, देखिए बॉन्ड फेल्योर मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्रेकअप ऑफ एडहेशन बिटवीन बार्स एंड कॉन्क्रीट, है ना, ये बॉन्ड कब फेल होता है, ये बॉन्ड जो है कॉन्क्रीट और रिन्फोर्समेंट का ये फेल कब करता है, जब एडहेशन बिटवीन कोहेजन क्या होता है, कोहेजन होता है किसी भी दो सेम पार्टिकल्स में जो बॉन्डिंग होता है उसको कोहेजन बोलते हैं, एडहेशन कोई भी दो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट पार्टिकल्स में, ठीक है, तो एडहेशन यहाँ पर हो गया किसके बार्स और कॉन्क्रीट के बीच के बॉन्डिंग को, तो वो अगर फेल कर जाए तो बॉन्ड फेल्योर हो जाएगा। क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन फ्रंट ऑफ रिप्स ऑफ बार, है ना, क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन फ्रंट ऑफ रिप्स ऑफ बार, अब बार के सामने के पोर्शन का कॉन्क्रीट का क्या हो जाना, क्रश हो जाना, अब ये क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, देखिए जैसे मान लो ये अपना सेक्शन है, ठीक है, चलो इसका हम लोग ये देखिए ये यहाँ पर क्या है रिन्फोर्समेंट बार है, ठीक है, अब क्या होगा ये रिन्फोर्समेंट बार जो है, चलो जैसा भी हम लोगों ने सेक्शन X1 X2 में देखा था ना उससे देखते हैं हम लोग, ठीक है, इधर लग रहा है मान लो टेंसाइल फोर्स T, इधर लग रहा है T+DT, ठीक है,
तो ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम लोग टाओ, हम लोगों ने टाओ बोला था। अब ये टाओ जो है बेसिकली कहाँ पर एक्ट करेगा, ये टाओ लगाया जाएगा इस रिइंफोर्समेंट के द्वारा कहाँ पर, ये सामने वाले कॉन्क्रीट में, इसके इससे जो जस्ट इसके जो जस्ट सामने में, इससे जो जस्ट चिपका हुआ है इस कॉन्क्रीट में, ठीक है। तो अगर मान लो ये लगाता है, ये स्ट्रेस लगाता है बगल वाले, ये बगल वाले कॉन्क्रीट पर अगर ये फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो है ना, मतलब ये रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, ये बाहर नहीं जाना चाह रहा है, तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस पर स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। ये प्रेशर के कारण, ये प्रेशर फोर्स के कारण क्या होगा, इस पोर्शन पे जो रिइंफोर्समेंट के बगल वाला पोर्शन है कॉन्क्रीट का, है ना, इस पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस स्ट्रेस के कारण हो सके कंक्रीट क्रश कर जाए, ठीक है। यानी कि कौन से कंक्रीट, जो रिप्स के बगल वाले कंक्रीट हैं वही कंक्रीट, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, यही चीज़ बताना चाह रहा है ये, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन फ्रंट ऑफ रिप्स ऑफ बार्स, ठीक है। तीसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट ऑफ कंक्रीट अलॉन्ग रेनफोर्समेंट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट ऑफ कंक्रीट अलॉन्ग रेनफोर्समेंट, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट क्यों होती है, ये इसका कारण है कि अगर स्पेसिंग बोल रहा हूँ सॉरी, अगर ये कवर अच्छे से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया गया हो तो, है ना, अगर हम लोग खींचते हैं इसको अचानक से, मान लो ये इस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसा स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है ना, अगर इसमें कवर अच्छा खासा नहीं दिया गया है तो, ठीक है, यानी कि कवर अपने को अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ पता चलता है यहाँ से। ये जो तीसरा पॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट ऑफ कंक्रीट अलोंग रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लो आप लोगों के पास क्या है, गीली मिट्टी का कुछ भी इस टाइप का स्क्वायर टाइप का बना लो, है ना, और इस पे इसके ऊपर से 5 mm, 5 mm पे क्या करो, एक रेनफोर्समेंट इस टाइप का डाल दो इस पे, है ना, 5 mm पे, मतलब डाल नहीं दो, मतलब पहले ही 5 mm नीचे ये रेनफोर्समेंट रख के गीली मिट्टी का ये बना लो, 5 mm नीचे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करो ना, अचानक से इसको फिर खींचो, इसको अचानक से क्या करो, इसको खींचो, ठीक है, इस रेनफोर्समेंट को, तो क्या होगा, ऊपर की जो सरफेस है ना, ऊपर के सरफेस में क्या आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब एक लाइनिंग आ जाएगी, है ना, लाइनिंग आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये बस 5 mm नीचे था, बहुत बहुत मतलब डिस्टेंस, बाहर से डिस्टेंस यानी कि कवर बहुत कम था, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये जो लाइनिंग है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट, ठीक है। यही चीज़ होता है कंक्रीट के साथ में। अगर मान लो ये जो रेनफोर्समेंट है, ये अगर मान लो करीब, चलो मान लो ये लंबा चौड़ा बीम है तो 1 मीटर अंदर दिया रहता, और इसको खींचते टेंसाइल फोर्स लगता है इस पर, कितना भी जल्दी खींचो कितना भी धीरे धीरे खींचो, क्या इस पर कोई स्प्लिटिंग होती, क्या इस पर कोई मार्क आता बाहर पे, नहीं आता। तो यही चीज़ है ना, कवर अपने को अच्छे से देना है, तब ये जाकर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट वाली कहानी नहीं होगी, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट ऑफ कंक्रीट अलॉन्ग रेनफोर्समेंट, ये हो गया जो भी बताया हमने। अब देखिए, फैक्टर इन्हेंसिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा किससे, बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे बढ़ेगा, हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट ग्रेड अगर हायर हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, है ना। डिफॉर्म्ड बार्स इंस्टेड ऑफ प्लेन बार्स, है ना, अगर डिफॉर्म्ड बार यूज़ करते हैं हम लोग प्लेन बार्स की जगह पर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीज। स्मॉलर डाया बार, स्मॉलर डाया बार से बोलने का मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ बार्स, है ना, मोर नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। स्मॉलर डाया बार से बोलने का मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, इन इन द प्लेस ऑफ हायर नंबर ऑफ बार, ठीक है, ऑफ क्वांटिटी लेसर देन दिस, ओके। सो अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसा सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोगों ने बताया था, 32 mm का डाया है, 32 mm डाया का बार है, अगर 800 mm स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील है ना, कैलकुलेट हम लोगों ने किया है, तो एक 32 mm का एक देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, उतना ही उसका एरिया होता है एग्जैक्टली, और 32 mm का एक देंगे तो काम चल जाएगा, और उस 32 mm का एक ना देकर हम लोग 16 mm का डाया का 4 बार देंगे तो भी काम चलेगा। तो बेस्ट कौन सा है, 16 mm डाया का 4 बार, ठीक है। तो स्मॉलर डाया बार्स, मोर नॉमिनल कवर, मोर नॉमिनल कवर, है ना, और रिड्यूस्ड स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स, स्टिरप्स जो प्रोवाइड करेंगे हम लोग बार्स में, उसका स्पेसिंग क्या हो, बहुत कम हो, है ना, ज़्यादा स्टिरप ना हो, ज़्यादा स्पेसिंग ना हो स्टिरप्स में, ठीक है। पता चला कि ये 4 बार हैं
और हम लोगों ने स्टेप सी स्टेप से प्रोवाइड किया है कि यहाँ एक ही हाँ ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, इसके कारण ये क्या होगा, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम आएगी। तो ये 8.5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल फैक्टर्स एनहेंसिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कर लिया, वेज टू प्रोवाइड एंकरेज, कैसे हम लोग एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, और फिर स्प्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, मैकेनिकल कपलर, ये सब है। और आगे जाकर फिर क्या है, पॉजिटिव टेंशन, नेगेटिव टेंशन इन्फोर्समेंट, और एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग जो कि सारा कुछ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर देगा। तो ये अगले यूनिट में ख़त्म, अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो ऐसा है ना कि अब डेली 3 से 4 लेक्चर डालेंगे, ठीक है, और ये मुश्किल से 4-5 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा आरसीसी पूरा। और साथ में मैं कोई दूसरा यूनिट भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कोई दूसरा सब्जेक्ट आई मीन टू से। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।